चंडी देवी दाहिने दाहिने चलो भैया चंडी देवी। अरे चलो भाई दाहिने में खा रहा हूँ ना टिक्का देवरा मार्ग। ये मोटो अश्वी की लड़ाई हो रही है दिल में एक दूसरे को पसंद कर। पापा बेटी हाँ यहाँ तो मंदिर चुनरी भी है ना पापा से ही बोल रहे थे यहाँ पर मिलते हैं गेट गेट के अंदर जाते हैं वो लोग बोल रहे हैं मेरा शांत रहता है काम पूजा के मेरा नाम है यहीं पर कर लीजिए देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं माँ चंडी देवी के मंदिर और यहाँ पर मेरी डॉटर के हेयर माता को चढ़ाए जाएंगे और देख सकते हैं कुछ इतना प्यारा सा यहाँ पे कुछ ऐसा दृश्य है और यहाँ सामने से हमने गाड़ी पार्क कर ली है और देख सकते हैं मंदिर का परिसर कुछ इस तरीके से है और बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोगों को यहाँ पर आके। और मेरी डॉटर ऑब्वियस की बात है वो टेंपल्स वगैरह में हम कहीं पर भी जाते हैं या कोई घूमने वाली जगह होती है तो वो एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अभी मेरे डॉक्टर की बात करेंगे पहले हम अंदर पूजा वगैरह करवाएंगे और आप लोग देख सकते हो खेलने में बहुत मजा आ रहा था। वैसे तो वो घुटनों के बल चलती नहीं है पर आप देख सकते हो उसने ड्रेस का क्या हाल कर दिया इतनी मट्टी मट्टी लगा दिया था फिर भी मतलब उसको मज़ा आ रहा था और देख सकते हो बहुत खुश थी। उसे पता भी नहीं है कि अब उसके हम बाल कटेंगे उसका रिएक्शन देखिए कि कैसा रहेगा वो मतलब एकदम शॉक हो गई थी कि मेरे हेयर काटे जा रहे हैं। घुमा दो हाँ मतलब पल्लू हाँ हाँ चल अपने कुल कहता ही उठा उठा प्रसादी पहले ही खा लेता ही देखी पांच बार माता जी के नाम से ना चंडी देवी ना वो देना बाद अपना
इसमें कुछ पैसा पानी डाल दीजिएगा, बुआ या बहन लोग की पद होता है उनको दे दीजिएगा, पापा बुआ दादा दादी आए और कुछ नहीं दे रहा दे रहा हूँ। इसके बाद अब गंगा जी को जहाँ भी करना हाँ, 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 बता रहे मेरी बच्ची को अब स्वस्थ कर देना, खत्म ले जाओ रोनी धोनी माता जी आज इनका खत्म कर दा देखो इस माता जी पे भभूत जरूर लगा देखो भी है ना, खाली लोटे कर दिया पाँच बार ठीक। और ये बाल को माँ चंडी देवी जी के दर्शन के बाद अब हम आए हैं भगवती माता के दर्शन के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा दृश्य है, बहुत ही प्यारा लगा मुझे यहाँ पे। और हम उसी दिन सारे मंदिर घूम फिर के दर्शन करके आ गए थे। ये मेरी मम्मी है और देख सकते हैं यहाँ पे भगवती के दर्शन कर रही थी मेरे साथ, माता रानी सबके कल्याण करे। मैंने वो सारी छोड़ दिया, लेके आऊँ भगवती दुर्गे। बोलो भगवती मैया की जय। जय हो माँ भगवती। दोस्तों हम अब आ चुके हैं असेगानाथ मंदिर जो कि भोले बाबा का मंदिर है और यहाँ पर काफी भीड़ रहती है। जय कर दो, जय करो। जय करो। आज
का दिन हमारा बहुत ही अच्छा रहा। पहले हमने माताओं के दर्शन किए और अब हम कर रहे हैं भोले बाबा के दर्शन। पूजा आराधना करने के बाद हम लोग निकलेंगे घर को और देख सकते हैं मेरी डॉटर भी मेरी हेल्प करती है, पर अभी वो छोटी है तो सामान वगैरह गिरा देती है। उसका बहुत मन होता ओम नमः शिवाय 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 हर 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 महादेव नमः शिवाय शिव शंभु नमः शिवाय शिव शंभु नमः शिवाय शिव शंभु ओम नमः शिवाय। जल कोमी है जी का ये सिंघाड़ा है, सिंघाड़ा का पौधा है, सिंघाड़े की खेती हो रही है। हम भी पता नहीं देखे थे लेकिन देख रहे हैं। मैंने भी आज अच्छा लगता है उबाल के भुजिया भी बनाओ खा भुजिया भी। वो तो नीचे नीचे से निकाल रहा पूरा, एक ही ले लेते हैं यार। दो किलो बोला क्या? अच्छा सिंगाड़ा लिया कौन होगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसे मैं होगा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और तब तक के लिए बाय।